श्री गणेशाय नमः। भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति सभी संक्रांति तिथियों में सबसे खास होती है। इस दिन से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव की उपासना करने व गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान आदि करने से सभी कष्टों का निवारण होता है तथा ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी की रात 8:21 पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। इसलिए इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी 2023 रविवार को मनाया जाएगा। पुण्य काल सुबह 7:15 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:30 पर समाप्त होगा। वहीं महापुण्य काल सुबह 7:15 से 9:15 तक रहेगा। महापुण्य काल की कुल अवधि 2 घंटे है। दशकों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पुण्य काल और महापुण्य काल एक साथ लगने जा रहा है। इस मकर संक्रांति पर दशकों बाद ऐसा खास संयोग बनने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, साथ ही चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। इतना ही नहीं, इस दिन शश योग, मालव्य योग और सुकर्मा योग भी बन रहा है। इसे पंचमहापुरुष योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे काफी शुभ माना जाता है। महापुरुष योग में किया गया शुभ कार्य अधिक फलदायी होता है। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से आर्थिक संकट खत्म होता है तथा आय प्राप्ति के मार्ग में वृद्धि होती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे कर आप इस मकर संक्रांति कर मालामाल हो सकते हैं तथा जीवन की सभी विघ्न बाधाओं का अंत कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, यदि आप लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, आय से अधिक व्यय करना पड़ रहा है, तो इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु और धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को काले तिल और गुड़ का लड्डू चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है। उपाय नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर तांबे के लोटे में काले तिल, चीनी और चावल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इससे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है। उपाय नंबर 3, यदि आपको लगातार व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ रहा है या फिर आय से अधिक व्यय हो रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, गुड़, कंबल, शॉल आदि का दान करें। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।